हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया है। साइखोम मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में ये पदक अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया। इसी के साथ उन्होंने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। भाजपा नेता खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। अकाउंट का प्रोफाइल नाम बदलकर ब्रायन कर दिया गया है। खुशबू ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से उनके अकाउंट से किए जा रहे ट्वीट या कोई भी अन्य गतिविधि उन्होंने नहीं की है। केरल में गुरुवार को जीका वायरस से 3 और लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही इससे संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया कि 3 मामले तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसदों ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को संसदीय दल का अध्यक्ष चुना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लंबे समय तक टीएमसी संसदीय दल का नेतृत्व किया है और इसे दिशा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 5 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि बनर्जी इस दौरान किसानों को भी अपना समर्थन देने जाएंगी। वे जंतर मंतर पर किसान संसद या बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। डीओ ने उड़ीसा तट से आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिछले 2 दिनों में 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का यह दूसरा परीक्षण फायरिंग है। कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए वैक्सीन के अलावा खाने वाली 2 दवाएं जल्द ही मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। ये दोनों दवाएं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से अलग अलग संस्थान और दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं। इन दोनों दवाओं के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश के बीच भूस्खलन होने से कम 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हादसे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है क्योंकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि रायगढ़ जिले के महाड़ में भारी बारिश से कुछ सड़कें धस गई हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली समिति ने मस्जिद परिसर के बाहर की जमीन का एक टुकड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है। इसके बदले समिति को पास का ही एक दूसरा प्लॉट दिया गया है। मस्जिद समिति ने जो जमीन दी है वो पहले प्रशासन को पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए स्थायी पट्टे पर दी गई थी। मस्जिद के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट ने कुछ साल पहले कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इसकी मांग की थी। भारत में सितंबर से बच्चों की कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि 3 कंपनियों की वैक्सीन को अगस्त से सितंबर तक अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। इनमें जायडस, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर वैक्सीन शामिल हैं। एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसके मुताबिक 11 से 17 साल के बच्चों के साथ रहने पर बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा 18 से 30 फीसदी तक बढ़ जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर भी चिंतित हैं।